मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी सिक्स की यूनिट एटीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका इस यूनिट से कि वॉट इज एडवरटाइजिंग एडवरटाइजिंग होती क्या है एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम पब्लिसिटी ये किस तरह डिफरेंट है आपकी पब्लिसिटी से तो कहीं ना कहीं इस एक क्वेश्चन ने दोनों चीज आपसे पूछ ली कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और पब्लिसिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो एडवर्टाइजमेंट रेफर्स टू द इनडायरेक्ट वन वे कम्युनिकेशन यूज टू प्रमोट द प्रोडक्ट टू द मास ऑडियंसिस मास ऑडियंसिस को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम एक इनडायरेक्ट और वन वे कम्युनिकेशन का यूज करते हैं उसी को कहते हैं एडवर्टाइजिंग इट इज़ अ नॉन पर्सनल मोड एंड हैज़ अ आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर आपके नॉन पर्सनल मोड में किया जाता है उसके साथ कुछ हमारे पास स्पॉन्सर भी होते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू इन्फॉर्म परसुएट एंड रिमाइंड द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना परसुएट करना और उनको रिमाइंड करना कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में इट कैन बी डन थ्रू न्यूज पेपर मैगजीन रेडियो टेलीविजन एक्सेट्रा

एडवर्टाइजमेंट होता है उसके ऊपर तो कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है कि उसको किस तरह के मीडियम के मैसेज को या किस मैसेज को कन्वे करना है पब्लिक को लेकिन पब्लिसिटी के अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं होता किसी भी फॉर्म का हमारे मैसेज के ऊपर पब्लिसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हरदम आपके लिए पॉजिटिव आप क्रिएट करते हैं लेकिन पब्लिसिटी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है अगर पब्लिसिटी पॉजिटिव हुई तो वो आपकी सेल्स को इंक्रीज करेगी आपके लिए सक्सेस को बढ़ाएगी अगर आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी नेगेटिव हुई तो आपकी सेल्स को भी डिक्रीज कर सकती है क्रेडिबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैन बी मोडेट टू लो बट पब्लिसिटी इज हाई तो जो क्रेडिबिलिटी होती है एडवर्टाइजमेंट की वो मोडरेट कम होती है लेकिन पब्लिसिटी की जो हमारी क्रेडिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है तो कुछ फीचर्स देख लेते हैं इनके कुछ किस तरह से अलग है तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमारा एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है जो कि हमारे एडवर्टाइजमेंट को करता है हमारी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है एडवर्टाइजमेंट के अंदर इसके लिए हमें पे करना होता है मैसेज जो भी ट्रांसफ़र किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है कंपनी के थ्रू मैसेज अंडर द कंपनीज़ कंट्रोल कंपनी कंट्रोल में हमारे मैसेज रहते हैं और एडवर्टाइजमेंट हमारा पॉजिटिव रहता है जबकि पब्लिसिटी के अंदर कोई भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता क्रेडिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसके लिए कोई भी पे नहीं किया जाता मैसेज डिसाइडेड बाय द मीडिया मतलब मैसेज को हम डिसाइड नहीं करते ना ही मैसेज को कंपनी डिसाइड करती है मैसेज को डिसाइड करती है हमारे कंज्यूमर्स हमारे कह सकते हैं जनरल पब्लिक कंपनी हैज नो कंट्रोल ओवर द मैसेज और कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता मैसेज के ऊपर और ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होती है तो डिफरेंस भी कह सकते हैं आप या किस तरह एक दूसरे से अलग है हमारी एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग के हमें ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करना है कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं जब हम एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं तो नॉर्मली इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को बताना उनको अवेयर करना उनसे रेगुलर कनेक्ट करना लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे कुछ अदर ऑब्जेक्टिव भी होते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट को नई सर्विस को लॉन्च करने के लिए हम यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग का नेक्स्ट एक्सपेंड द मार्केट जब हम अपनी मार्केट को छोड़कर अपने प्रोडक्ट की मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं मतलब अभी तक हम सिर्फ एक मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे थे जब अपनी मार्केटिंग के एरिया को बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर भी हम यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग का तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है एडवर्टाइजिंग का तीसरा है स्पेशल ऑफर अगर हम कोई स्पेशल ऑफर इशू कर रहे हैं मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तो कैसे उस ऑफर के बारे में कंज्यूमर्स को बताएंगे विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग नेक्स्ट टू रिमाइंड टू रिमाइंड का मतलब कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में याद दिलाना उनसे रेगुलरली टच में रहना कि उन्हें याद रहे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में उन्हें कंटिन्यू रिपीट करवाना अपने प्रोडक्ट के बारे में तो भी एक ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग का नेक्स्ट है टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज अपने प्रोडक्ट की, की ब्रांड इमेज को डेवलप करने के लिए हम कंटिन्यू फॉर्म में हरदम एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं पर मेन पर्पज होता है अपने ब्रांड की इमेज को डेवलप करना और लास्ट आपका टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं तो ये हमारे कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव थे एडवर्टाइजिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स डेट डिटरमाइन द चॉइस ऑफ मीडिया इन एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग कि हम मीडिया किस मीडिया का यूज करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी होते हैं उनको ध्यान रखना तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका ध्यान रखा जाता है कि हम किस तरह के मीडिया का यूज करें एडवर्टाइजमेंट के लिए तो सबसे पहला फैक्टर होता है एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का है किस क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट है हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है हमारे प्रोडक्ट कह सकते हैं अगर बहुत ज्यादा हाईली प्रोडक्ट होगा तो वहां पर हम महंगे एडवर्टाइजमेंट का यूज करेंगे मतलब एक एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग ही तरह की पर्सनल सेलिंग का यूज करेंगे एडवर्टाइजमेंट की जगह क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है तो वहां पर हम एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हमने उसको डिजाइन किया है इलाइट ग्रुप के लिए डिजाइन किया है तो जनरल पब्लिक को उस एडवर्टाइजमेंट को वहां पर शेयर कर कर स्प्रेड कर कोई फ़ायदा नहीं है हम एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अलग से पर्सनल सेलिंग का, का काम करेंगे हम देखेंगे कि हमारा जो मार्केट प्लेस है वो हमने कौन सा टारगेट कर रखा है इसके साथ ही देखेंगे कि हमारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट है वो किस तरह का प्रोडक्ट है मतलब बहुत सारे एलिमेंट होते हैं मार्केटिंग मिक्स के तो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को फोकस करते हैं यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं किस तरह एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी मार्केटिंग मिक्स के हिसाब से इसके साथ ही दूसरा फैक्टर देखा जाता है कि रिलेटिव कॉस्ट कि किस मीडिया की कितनी कॉस्ट पड़ रही है हम हर तरह के मोड ऑफ मीडिया का यूज़ करेंगे देखेंगे एनालाइज करेंगे कि अगर हम न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं तो कितनी कोस्टिंग आती है एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं तो कितनी कोस्टिंग आती है टीवी एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करेंगे या बैनर्स का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे हर तरह के एलिमेंट्स की हर तरह की मीडिया की कोस्टिंग क्या आती है हमारे लिए और जो हमारे लिए इकोनॉमिकल होगी हम उसी का यूज़ करेंगे नेक्स्ट फैक्टर होता है साइज ऑफ मार्केट की मार्केट का साइज़ क्या है मार्केट का सेगमेंट क्या है अगर मार्केट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है आपकी मार्केट साइज बहुत मास एरिया में फैली हुई है तो वहां पर हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर या टीवी एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करेंगे लेकिन हमारा एक बहुत छोटा एरिया है तो वहां पर हम सेल्स प्रमोशन का यूज़ करेंगे या कह सकते हैं स्पेसिफिक उस एरिया से रिगार्डिंग न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे जर्नल का यूज़ करेंगे जो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के लिए हो नेक्स्ट देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ मीडिया कि जिस रीजन के अंदर जिस एरिया के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं उस एरिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस मीडिया का है वो भी देखना होता है सेगमेंट के लिए नेक्स्ट है रीच अब रीच की बात करेंगे कौन सा मोड ऑफ मीडिया है उसकी कितनी रीच है न्यूज़पेपर कितने लोगों तो पहुंचता है कितने लोग परचेज करते हैं टीवी कितने लोग देखते हैं बैनर कितने लोग देखते हैं हमें ये सब देखना होता है कि रीच कितनी है किस हमारे मीडिया की नेक्स्ट आपका मीडिया शेड्यूलिंग मीडिया शेड्यूलिंग के अंदर बात करेंगे कि वो मैसेज कितने शेड्यूल के बाद हमारे कंज्यूमर्स तक तो पहुँचता रहेगा नेक्स्ट हमारा कॉम्पटिशन कॉम्पिटिशन किस तरह का है हमारे रिवर्स जो भी हैं वो किस तरह के मीडिया का यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए नेक्स्ट आपका लीगल कॉन्स्टेंट्स के हम देखेंगे बाई रूल्स लॉज लीगल अथॉरिटीज के हिसाब से हमें किस तरह के एडवर्टाइजमेंट को डेवलप करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडिया टारगेट ऑडियंस एडवर्टाइजिंग बजट्स और नेचर ऑफ द मैसेज तो हमें देखना होता है कि हमारे पास बजट कितना है हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं अगर आप लग्जरी इलाइट्स कार की बात करें लेमोर्गनी की बात करें तो उसके कभी भी आपने एड टीवी में नहीं देखे क्योंकि उन्हें पता है कि जो उसको परचेज़ करेगा वो कभी भी उसके बाद इतना टाइम नहीं होगा कि वो टीवी को यूज़ करे या टीवी देखे तो वो अपने एड्स को कह सकते हैं इलाइट मैगजीन जो होती है उनमें शो करते हैं तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनका ध्यान रखा जाता है किसी भी चॉइस ऑफ मीडिया के टाइम एडवर्टाइजमेंट के लिए नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन द वेरियस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग हमें एडवर्टाइजिंग के जितने भी मीडिया होते हैं उन सभी के बारे में अपना एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ उनके मैरिट और लिमिटेशंस को भी कंपेयर करना है तो हमें यहाँ पर क्या बात करनी है वेरियस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया के बारे में तो जब भी हम कोई रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन मैसेज का यूज़ करते हैं कन्वे करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स तो उससे हम क्या कहते हैं प्रिंट मीडिया का यूज़ किया गया है प्रिंट मीडिया के अंदर आपके न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आते हैं तो आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं वो डेली बेस पर पब्लिश होते हैं बहुत ज़्यादा एरिया में उनको रीड किया जाता है उनका जो लिटरेचर पॉपुलेशन होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है एडवर्टाइजमेंट बाई न्यूज़ पेपर कैन बी गुड इफ़ द मास कवरेज इज़ रिक्वायर्ड तो इसका कब यूज़ किया जाता है जब आपके किसी प्रोडक्ट के लिए मास कवरेज की आपको नीड हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर का magazines होती है आपकी वो सकती वीकली पब्लिश होती है मंथली पब्लिश होती है क्वार्टरली और ईयरली पब्लिश होती है डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स रीड डिफरेंट मैगजीन तो हर अलग अलग तरह के लोग होते हैं लाइट ग्रुप है हमारे पास मिडिल क्लास है या आपका लोअर क्लास है अपनी क्लास के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अपने प्रोफेशन के हिसाब से हल अलग मैगजीस को रीड आउट करते हैं फॉर एग्जाम्पल बिजनेस टूडे एंड आउटलुक आर द मैगजीन्स फॉर बिजनेस मैंस एंड कॉपरेट्स सो द एडवर्टाइजमेंट्स या एडवर्टाइजर्स कैन सेलेक्ट द टारगेट सेगमेंट एंड अकॉर्डिंगली द सेलेक्ट द मैगजीन तो ये अलग अलग जैसा हमारा प्रोडक्ट होगा उसी टारगेट के हिसाब से मैगजीस को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर उसके अंदर अपने एडवर्टाइजमेंट को दे सकते हैं अब प्रिंट मीडिया कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है अगर एडवांटेज की बात करें तो क्विकली ग्रैप द अटेंशन इसमें जो अटेंशन होता है बहुत जल्दी अटेंशन ग्रैप कर लेते हैं अपने कंज्यूमर्स का कवरेज होती है मास कवरेज होती है इसके थ्रू रिलेटिवली चीपर देन द अदर मीडिया अदर मीडिया से कंपेरिजन ये चीपर होता है एंड रिपीटेशन इज पॉसिबल अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो मीडियम इज़ ओनली फॉर द लिटरेट पॉपुलेशन मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं ये मीडिया एडवर्टाइजमेंट का सिर्फ उन्हीं के लिए अगर कोई अनपढ़ लोग हैं तो वो इस मीडियम को पढ़ ही नहीं सकते ना तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं ना मैगज़ीन पढ़ सकते हैं तो उनके लिए ये आपका एडवर्टाइजमेंट किसी काम का नहीं है नेक्स्ट आई यूज़लेस इन केस ऑफ अर्जेंट मैसेज और आपने अगर कोई अर्जेंट मैसेज uh, के लिए यूज़ किया है न्यूज़पेपर और मैगजीस का तो वहाँ पर वो यूज़लेस हो जाता है क्योंकि ये एक ही दिन यूज़ किया जाता है और इसको सिर्फ हमारी जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है वही यूज़ कर सकती है और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो भी बहुत स्लो होता है हमारे इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब प्रिंट मीडिया का तो ये कुछ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज थे इसके बाद हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट मीडिया के बारे में अब अब ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर बात करेंगे इट इज़ द ऑडियो विजुअल डिस्प्ले ऑफ द मैसेज मतलब हम अपने मैसेज को ऑडियो और विजुअल की हेल्प से डिस्प्ले करते हैं इट कैन बी वाई रेडियो एंड टेलीविजन रेडियो टेलीविजन के थ्रू इसको किया जाता है इट कैन बी अफेक्टिव रेडियो इज हड बाय नंबर ऑफ पीपल इवन अ इलिटरेट पर्सन लाइक टू लिसन रेडियो अब इसको हमारे जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है और जो इलिटरेट पॉपुलेशन है दोनों तरह की पॉपुलेशन इसको रीड आउट मतलब ईजीलिए सुन सकती है इट कैन बी यूज टू कवर मास सेगमेंट जब मास सेगमेंट की जरूरत होती है तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है उसको कवर करने के लिए मैसेज कैन बी क्लियर कन्वेड इसके अंदर आपका जो भी मैसेज होता है उसको क्लियरली कन्वे किया जा सकता है इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं टेलीविजन की या अदर मीडिया की जो हम ऑडियो वीडियो दोनों यूज़ करते हैं तो उनके अंदर आपके जो भी मैसेज होते हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है विद यूज ऑफ एट्रेक्टिव मीडियम मतलब बहुत ज़्यादा एट्रेक्टिव मीडियम है एट्रेक्टिव तरीके से क्रिएटिविटी का यूज़ कर उस मैसेज को कंज्यूमर्स के सामने विद द फॉर्म ऑफ ऑडियो विजुअल और डिस्प्ले किया जाता है एडवर्टाइजर्स जस्ट नीड टू सेलेक्ट द चैनल फॉर एग्जाम्पल कार्टून नेटवर्क स्टेप टू द किड सेगमेंट एंड एनडी टी वी फॉर द कॉरपोरेट सेगमेंट यहाँ पर बस हमें देखना ये होता है एडवर्टाइजर्स को कि वो किस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं अगर वो कोई किड सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए वो कार्टून नेटवर्क जैसे या कह सकते हैं जो तो बच्चों के चैनल्स होते हैं उनका यूज़ करेंगे और अगर वो किसी कॉर्पोरेट सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं तो वो एड एन डी या कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट चैनल को यूज़ कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए अब एडवांटेज या डिसएडवाटेज की बात करें तो सबसे पहले एडवांटेज है हमारे ब्रॉडकास्ट मीडिया की कवरेज इसकी वाइड होती है मतलब बहुत मास सेगमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है दूसरा इसका कह सकते हैं एडवांटेज है कि बेशक इलिटरेट पर्सनस हो वो भी इसको, इसको इसलिए समझ सकते हैं देख सकते हैं नेक्स्ट आपका क्विक रिपीटेबल इज पॉसिबल एंड कैन क्विक ग्रैप द अटेंशन इसको रिपीट किया जा सकता है और इजिली अटेंशन को ग्रैप कर लेता है हमारे कंज्यूमर्स को अगर डिसएडवांटेज की बात करें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मीडिया होता है ये नेक्स्ट आपका एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही एक लिमिटेड मैसेज को ही कन्वे करता है शॉर्ट लिव बहुत कम टाइम के लिए आपके स्क्रीन पर आता है हो सकता है दस सेकेंड पांच सेकेंड ऐसे कम सेकेंड के लिए भी आ सकता है ये और मे नॉट बी वॉच और हीयर और हो सकता है कई बार उसको देखा भी ना जाए और सुना भी ना जा सके तो ये कुछ इसके डिसडवांटेजेस थे इसके बाद आपका डायरेक्ट मीडिया अब डायरेक्ट मीडिया इज कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली टू द प्रोस्पेक्ट एंड नॉट इन्वॉल्विंग एनी थर्ड पार्टी इट कैन बी थ्रू डायरेक्ट मेल्स और ई मेल्स डायरेक्ट मीडिया मतलब हम कंज्यूमर्स के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं कोई भी मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होता इसके अंदर हम डायरेक्ट मेल्स और ई मेल्स यूज करते हैं अगर हम डायरेक्ट मेल्स की बात करें तो डायरेक्ट मेल्स क्या होती है पोस्टिंग लेटर्स विद द पर्सनलाइज मैसेज टू द टारगेट ऑडियंसिस इनके अंदर हम अपने टारगेट ऑडियंसिस को पर्सनलाइज मैसेज भेजते हैं उनको टारगेट करने के लिए और ई की बात करें तो सेंडिंग लेटर और मैसेज वा इलेक्ट्रॉनिक मेल्स यूजिंग इंटरनेट तो जब हम इंटरनेट का यूज़ कर कर वही पोस्ट लेटर्स हमने कंज्यूमर्स को भेजते हैं तो उसे हम ई कहते हैं अगर तो इसकी हम मेरिट की बात करें तो इकोनॉमिकल ई मेल आर ई द फ्री कॉस्ट ऑफ मतलब हमारा जो ई की बात करें तो इकोनॉमिक है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कस्टमाइज मैसेज कैन वी सेंड हम हर कस्टमर्स के लिए अलग से कस्टमाइज मैसेज करके उसको सेंड कर सकते हैं एंड इट ग्रैप द अटेंशन ऑफ द प्रोस्पेक्ट अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन क्या है कि डू नॉट कवर द मास एरिया मतलब बहुत ज़्यादा एरिया को यह कवर नहीं कर सकते दूसरा टाइम कंज्यूमिंग आपको मेल करने में लेटर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और तीसरा होता है एवरी बडी मे नॉट यूज़ इंटरनेट और सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स मे अगर और हर कोई जरूरी नहीं कि इंटरनेट यूज करता हो और कई बार इसके लिए हमारे पास सामने टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस थे हमारे डायरेक्ट मेल और ई मेल्स के नेक्स्ट आपका आउट डोर मीडिया अब आउटडोर मीडिया के अंदर बात करेंगे पीपल कीप्स ट्रैवलिंग फ्राम होम टू ऑफिस ऑफिस टू होम टू मार्केट टू सिनेमा एंड डिस्टेंस प्लेसिस एक्सेट्रा आउटडोर मीडिया इज़ यूज टू टैप द पीपल वेन दे आर ट्रैवलिंग इट कैन बी पैम्पलेट्स, पोस्टर्स होर्डिंग्स फॉर साइन एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्ले एग्जीबिशंस शो डिस्प्ले मतलब जब हम अपने घर से बाहर बाहर से घर सिनेमा हाउस मतलब कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो सामने हम कई बार देखते हैं कोई पोस्टर लगा हुआ है कोई होर्डिंग लगी हुई है कोई इलेक्ट्रिक डिस्प्लेज है तो वो हर वो सभी आते हैं हमारे आउटडोर मीडिया के अंदर पैम्पलेट कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कस्टमर्स या कंज्यूमर्स तो इसके अंदर पैम्पलेट्स होती हैं जो कि कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जिसके अंदर कि उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉमेशन होती है पोस्टर आर डिस्प्लेड अराउंड द टाउन एट पब्लिक प्लेसिस आपके पोस्टर्स होते हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं आपके टाउन के आसपास आपकी जो भी एरिया है उसके आसपास आपकी होर्डिंग्स होते हैं बहुत बड़े साइज़ में होते हैं बड़े बड़े बोर्ड होते हैं जिसके ऊपर कि डिस्प्ले किया जाता है उस कंपनी के प्रोडक्ट के मैसेज को और ये किसी सड़क के किनारे फिक्स कर दिए जाते हैं और आपके जो इलेक्ट्रिक डिस्प्ले होते हैं ये बहुत ज़्यादा एट्रेक्टिव होते हैं और ईजिली नोटिसेबल किए जाते हैं किसी भी कंज्यूमर्स के थ्रू अब इनके मैरिट डी मैरिट्स क्या वो देख लेते हैं सबसे पहले इनका मैरिट है कवर आ पर्टिकुलर एरिया ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट को ही कवर करते हैं हमारे आउटडोर मीडिया नेक्स्ट आपका लेस एक्सपेंसिव अदर देन मीडिया आपकी अदर मीडिया कंपेरिजन जो एक्सपेंस होती है कॉस्टिंग होती है कम होती है नेक्स्ट वाइट है कैन बी सीन रिपीटेडली बाय द लोकल पब्लिक इसको कंटिन्यू रिपीटेडली देखा जा सकता है लोकल पब्लिक के थ्रू क्योंकि ये तो है ना कि आपने कोई बैनर लगाया कोई होर्डिंग लगाई तो वो तुरंत हट जाएगी वो लंबे टाइम तक वहाँ लगी रहेगी तो उसको कंटिन्यू रिपीटली देखा जा सकता है इसके साथ अगर हम डिस एडवांटेज की बात करें तो मे नॉट बी एबल टू ग्रैब अटेंशन कई बार हमारे सामने देखने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे पड़े हैं पैम्पलेट्स पड़े हैं पोस्टर्स लगे पड़े हैं लेकिन वो जल्दी से अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पाते शॉर्ट लिव कुछ ही टाइम बाद ये फट जाते हैं खराब हो जाते हैं गिर जाते हैं मतलब ये कुछ भी इनका जो टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है इफेक्टिव इफेक्टिवनेस कैन नॉट बी मेसर ये कितना इफेक्टिव है इसको मेसर भी नहीं किया जाता है किया जा सकता है रेंट ऑन सर्टेन मीडिया मे बी हाई लाइक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेज इसके अंदर से आपके इलेक्ट्रिक डिस्प्ले है इसकी जो कॉस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है नेक्स्ट आपका होर्डिंग मे बी अगेंस्ट ट्रैफिक रूल्स और आपके जो तो होर्डिंग होते हैं कई बार ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट भी होते हैं तो वहाँ पर ही आपको ध्यान रखना होता है कि आप ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना होता है उसके बाद ही आप इन होर्डिंग्स को लगवा सकते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेजर इंस्टीट्यूशंस इन एडवर्टाइजिंग तो हमें एडवर्टाइजिंग के जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पांच तरह के मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस के लिए तो कौन कौन है एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस मीडिया एंड टारगेट ऑडियंस तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्टाइजर्स की एडवर्टाइजर्स कौन होते हैं एनी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स ही स्पॉन्सर द एडवर्टाइजमेंट मतलब जो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे देते हैं जो एक्सपेंस करते हैं वो कहलाते हैं आपके एडवर्टाइजर्स आपके एडवर्टाइजर्स होते कौन है प्रोड्यूसर्स होएगा रिटेलर्स होएगा होलसेलर्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लेबर यूनियंस इंडिविजुअल मतलब जिन पर्सन को उस एड से पैसा इस एड से बेनिफिट होता है वही उसके लिए स्पॉन्सर भी करते हैं वही उसके लिए पे करते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को दूसरा होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज अब वो एजेंसीज एजेंसीज डेट क्रिएट एन एडवर्टाइजिंग कंपेन फॉर द कंपनी मतलब कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट को बनाना क्रिएट करना उनके लिए कंपेन को चलाना वो काम किसका होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का इट हेल्प टू बिल्ड इमेज अमंग कस्टमर्स कस्टमर्स के बीच में उनकी इमेज को क्रिएट करने का काम भी नहीं का होता है दे ऑफर वेराइटी ऑफ सर्विसेज लाइक कॉपी राइटिंग एडवर्टाइजिंग आर्ट मीडिया बाइंग क्लाइंट सर्विसेज एंड अदर सर्विस इसके साथ साथ हमारे ये कंपनीज को अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसके बाद आपका थर्ड आता है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एनी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन डेट प्रोवाइड सर्विस रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट दे आर द एक्सपर्ट इन द गिवन फील्ड मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कोई भी ऐसा सेक्टर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारे एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए जो किसी चीज़ के लिए कह सकते हैं एक्सपर्ट हो हमारे रिसर्च में काम कर रहे हो हमारा बैनर्स हमने बनाए तो बैनर्स की उसकी फॉर्मेशन कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो होते हैं सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फोर्थ था आपका मीडिया एडवर्टाइजमेंट इज कम्युनिकेटेड थ्रू सम मीडिया चैनल मेजर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर रेडियो टीवी सिनेमास न्यूज़पेपर्स एंड नाउ इंटस्ट इंटरनेट हाउस तुम तो किस मीडिया का यूज़ कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए तो वो भी आपका एक मेजर इंस्टीट्यूशन होता है एडवर्टाइजिंग का इसके अंदर आप कह सकते हैं रेडियो टी वी सिनेमा न्यूज़ आपके मैगजीन्स आपका इंटरनेट ये सभी इंक्लूड होते हैं और लास्ट का जो मेन पार्ट होता है एडवर्टाइजिंग का वो होता है कंज्यूमर्स मतलब वो पर्सन जो कि आपके एडवर्टाइजमेंट को देखेगा एडवर्टाइजमेंट को देखकर ही वो आपको बताएगा कि हाँ आपका एडवर्टाइजमेंट कितना इफेक्टिव है अगर वो कंज्यूमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया तो समझ लो आपका एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव है लेकिन अगर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ तो आपका एडवर्टाइजमेंट किसी भी काम का नहीं है तो ये मेजर इंस्टीट्यूशन थे एडवर्टाइजिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशियट बिटवीन एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी एंड प्रमोशन तो हमें इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है इन तीनों में क्या डिफरेंस है पहला हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है दूसरी पब्लिसिटी है और तीसरा प्रमोशन है तो अगर हम बात करते हैं इनके मीनिंग की तो एडवर्टाइजमेंट की मीनिंग क्या होती है एडवर्टाइजिंग इज डन इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड इंक्रीज द सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसिज ऑफ एनी कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो क्यों किया जाता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है जबकि पब्लिसिटी क्या होती है पब्लिसिटी इज मूविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी थिंग बीट एंड द प्रोडक्ट सर्विस और एनी स और जो हमारी पब्लिसिटी होती है किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेश को शेयर करते हैं इंफॉर्मेश्स को अपने फ्रेंड्स को सर्कल्स को रिलेटिव को ट्रांसफर करते हैं जिसके थ्रू की अवेयरनेस फैलाते हैं इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता और एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई भी फॉर्म पैसे लगाती है उसको पेड करती है प्रमोशन क्या होता है इन सिंपल वर्ड प्रमोशन इज रेजिंग और इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट एंसर्स द सर्विस अमंग पब्लिक मतलब सिंपल फॉर्म में अगर प्रमोशंस की बात करें एक तरह से पेड होती है और कंज्यूमर्स के बीच में किस तरह अपने प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस को बढ़ाया जाए उसके लिए हम किस किस मीड किस किस टेक्निक का यूज़ करते हैं वो होता है हमारा प्रमोशन मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस को कंज्यूमर्स के बीच में बढ़ाना जनरल पब्लिक के बीच में अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को बढ़ाना वो कहलाता है प्रमोशन तो अगर मीडियम की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं टी का यूज़ करते हैं रेडियो का यूज़ करते हैं इंटरनेट का यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जैसी हम मीडिया का यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए और ये सारे क्या होते हैं आपके पेड मीडिया होते हैं मतलब इन सभी का यूज़ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है अब पब्लिसिटी के अंदर बात करेंगे ऐसा कोई भी स्पेसिफिक मीडिया नहीं होता पब्लिसिटी कैन बी डन विदाउट यूज़ ऑफ मीडिया मतलब ये तो हमारी जनरल पब्लिक खुद ही अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है अपने रिलेटिव को अपने फ्रेंड्स को अपने कलीग्स को तो इसके अंदर किसी भी मीडियम का नीड नहीं होती और प्रमोशंस की बात करें प्रमोशंस कैन बी डन थ्रू द इवेंट्स ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मीडिया तो प्रमोशंस को हम किसी इवेंट्स के थ्रू किसी डिजिटल या कैसे कर ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू उसको फैला सकते हैं कन्वे कर सकते हैं अगर रिलेशनशिप की बात करें तो यू हैव टू पे द एडवर्टाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गनाइजेशन यहाँ पर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट करता है उसको पे करना पड़ता है उस कम्युनिकेशन के लिए उस एडवर्टाइजमेंट के लिए जबकि पब्लिसिटी की बात करें पब्लिसिटी इज समथिंग यू कैन गेट विदाउट अ कॉस्ट फॉर इट मतलब कोई भी पब्लिसिटी के लिए कोई पैसे नहीं देती लेकिन फिर भी उसकी वो कहीं ना कहीं एक एडवर्टाइजमेंट का काम जरूर करता है तो मतलब तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारी पब्लिसिटी वेयर इज बोथ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रमोटिंग सब्जेक्ट आप देखोगे कि आपका जो पब्लिक रिलेशन होता है या आपका पब्लिसिटी होता है और एडवर्टाइजमेंट होता है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अगर इफेक्टिवनेस की बात करें यू हैव टू पे द एडवर्टाइजमेंट द प्रोडक्ट एंड द सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो इफेक्टिवनेस यही है कि आपको हर चीज़ हर एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए पब्लिसिटी डिपेंड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द एडवर्टाइजर्स पब्लिसिटी के अंदर हम बात करेंगे कि कौन हमारी पब्लिसिटी कर रहा है वो सेटिस्फाई है तो पॉजिटिव पब्लिसिटी करेगा अगर सेटिस्फाई नहीं है तो नेगेटिव पब्लिसिटी करेगा लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए हर दम हमारी पॉजिटिव पब्लिसिटी ही होगी पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट ही होता है एंड दैन इफेक्टिव प्रमोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और हमारा जो एक इफेक्टिव प्रमोशन होता है वो इन दोनों को मिलाकर ही बनाया जाता है हमारी पब्लिसिटी को और एडवर्टाइजमेंट को तो अगर हम कंक्लूजन देखें तो तीनों जो हमारे पास तीनों मैथड है ऑल द थ्री मीन्स कैन बी इफेक्टिवली यूज कीपिंग इन द माइंड इन द प्रोडक्ट एंड बजट तो हमें देखना होता है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का है हमारे पास बजट किस तरह का है इसके हिसाब से हम इन तीनों को यूज़ कर कर अपने सेल्स को अपने कह सकते हैं कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई इशू है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसके थ्रू की आपको रेगुलर अपडेट्स और पी मिलती रहे तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय फ्रेंड्स